आप लोगों को पता ही होगा कि भाई आप इसको कलेजी पोटा वगैरह खिला सकते हैं, और इसके अलावा जनाब आप इसको गोश्त भी दे सकते हैं, और ना इसका ज़्यादा छोटा वजन होता है, मतलब बीच साइज का होता है। तो आप इसको इजीली घर पे आराम से जो है ना रख सकते हैं, और बेहतरीन किस्म का शौक जो है ना आप कर सकते हैं। तो भाई फीड इसकी सेम वही है जो हम बाकी बाजू वगैरह खिलाते हैं, ठीक है। और ये आप फीस चेक कर सकते हैं भाई, हैंड टाइम है, और बाकी ये है कि बैट वगैरह नहीं करता, अभी तो फिलहाल दिन है ना। खूबसूरत पीस है, आप इसको जिस एंगल से भी देखेंगे ना, इसका ज़रा बेक देखें आप, माशाल्लाह ये चेक करें आप, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त पीस है, ये चेक करें भाई। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं आपका मेज़बान शाहिद सुफियान, और आप देख रहे हैं शाहिद टीवी सीरीज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो भाई शिकारी परिंदों की एक लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर होने जा रहे हैं आप लोग की खिदमत में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर इम्प्रेस मार्केट में, और जनाब यहाँ पे हमारे पास कुछ शिकारी जो हैं वो माल लेके आए हुए। अब शिकारी परिंदों में हमारे पास क्या क्या इस वक्त अवेलेबल है वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले कुछ बातें क्लियर कर दूं भाई, तकरीबन दो तीन दिन पहले मुझे दो से तीन कॉल आई जिसमें कहा गया कि भाई हमने जो है ना मार्केट के एक बंदे को कुछ पैसे भेजे, तो अभी जो है उनका मोबाइल नंबर बंद आ रहा है, ठीक है। एक ये बात, दूसरी बात ये है कि यार कुछ लोग ऐसे भी शिकायत करते हैं कि भाई जो चीज़ मैंने उनसे मंगवाई गई थी वो जो है उन्होंने नहीं भेजी, उस जगह कोई दूसरी चीज़ भेज दी है। कहने का मतलब है यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि मतलब एक प्यारी सी वीडियो बना के ना वही लोगों को बार बार भेज रहे होते हैं, ठीक है। और जब उनसे आप सौदा करोगे तो उसकी जगह आपको दूसरी चीज़ भिजवा देंगे। बेसिकली हमारा ये काम शुरू करने का मकसद ही यही है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप जो है ना चीज़ थोड़ी सी महंगी देते हो, मतलब 2000-3000। तो भाई ये बात मैं क्लियर कर दूं कि हम जब शिकारी से माल परचेज़ करते हैं तो हम चांटी करते हैं उनमें से, कोई ऐसा उसमें डिफ़ॉल्ट दाना नहीं होता जिसके मतलब पर टूटे हुए हो या पाँव पे चोट वगैरह लगी हो, हम बिल्कुल साफ़ सुथरा दाना जो है ना उठाते हैं उसमें से। फिर ये है कि वो हमें 1000-1500 रुपये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, लेकिन ये है कि हम आगे वो 1000-1500 रुपये महंगा बेच के, लेकिन चीज़ जो होती है ना वो अच्छी होती है, उसमें जो है ना फिर बाद में जो शौकीन होता है वो कोई शिकायत नहीं करता, ठीक है। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप लोगों का, पंजाब KPK वाली साइड पे माशाल्लाह से काफ़ी माल जो है भिजवा रहे हैं, तो काफ़ी शौकीनों का शौक पूरा हो रहा है। बहरहाल आज की वीडियो में देखते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटीज़ के बाज़ वगैरह मौजूद है, तो चलिए पीस बाई पीस आपको दिखाते हैं। अच्छा भाई ये हमारे पास पहला पीस मौजूद है जो कि गोल्डन ईगल का बच्चा है। बच्चे से मुराद ये कि मतलब 4 से 5 महीने जो है ना इसकी एज है। अक्सर लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई कोई महीने का 1.5 महीने का हो तो वो आप लेके आएँ, तो भाई मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई 1-1.5 महीने जो का जो बच्चा होता है वो बगैर मदर और फादर के जो है ना सर्वाइव नहीं कर पाते, तो लिहाजा हम छोटा माल ज़्यादा नहीं लेके आते, मतलब इतना हो कि 4 से 5 महीने से ऊपर ऊपर का हो। तो ये तकरीबन 4-5 महीने इसकी एज है, सही है, और ये आपको मिल सकता है माशाल्लाह से, बिल्कुल प्योर साफ सुथरा चीज़ है। और दूसरी बात, आप इसकी जो है ना फ्रेंडली होने का इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि देखें ग्लव्स तक नहीं पहना हुआ, ठीक है, और माशाल्लाह से कितना पुरसकून बैठा हुआ है बगैर कैप के, तो बहुत फ्रेंडली है माशाल्लाह से, ये आपको मिल सकता है। फीड के बारे में जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि भाई आप इसको कलेजी पोटा वगैरह खिला सकते हैं, और इसके अलावा जनाब आप इसको गोश्त भी दे सकते हैं, मुर्गी केसर वगैरह भी दे सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये पीस आपको मिल सकता है, पहले आए पहले पाए, बाद में अक्सर लोग कहते हैं कि यार वो चीज़ मुझे चाहिए ये वो, तो माशाल्लाह से चीज़ें काफ़ी जल्दी सेल हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आपको और दाने दिखाते हैं, रेडी है। अच्छा भाई तो ये एक हमारे पास बहुत ही प्यारा चुगी आया हुआ है, चुगी कहलाता है ये माशाल्लाह से, और ये भी जना बच्चा है, तकरीबन 7 से 8 महीने इसकी एज है। तो ये बच्चे बहुत कम आते हैं, अक्सर इसमें बड़े बड़े दाने होते हैं, ये माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त खूबसूरत पीस है। अच्छा इसमें जो मज़े की बात ये है ना वो ये है कि ये ना ज़्यादा वज़न बढ़ाता है और ना इसका ज़्यादा छोटा वज़न होता है, मतलब बीच साइज़ का होता है। तो आप इसको इजीली घर पे आराम से जो है ना रख सकते हैं, और बेहतरीन किस्म का शौक जो है ना आप कर सकते हैं इस पर, ठीक है। ये इंशाल्लाह हैंड टाइम भी है और बैट वगैरह भी नहीं करेगा। आँखें देखें आप इसकी, जो बाकी बाज होते हैं उनकी बनिस्बत इनकी आँखें जो है ना काफ़ी मतलब साफ़ सुथरी है, बिल्कुल वाइट कलर की। जो बाकी बाज होते हैं उनमें किसी में ब्लू है, किसी में ब्लैक है, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा चुगी है। जो इसकी अच्छी बात ये है वो ये कि पट्टा है अभी 7 से 8 महीने का है, तो जिस भाई को भी चाहिए हो ये मिल सकता है भाई। अच्छा भाई ये एक और ईगल है जो कि बोनाली ईगल के नाम से जो है ना ये पहचाना जाता है मार्केट में, ठीक है। ये भी तकरीबन 8 से 9 महीने का है, तो ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से।
ठीक है, ये आप इसकी आंखें देखें ज़रा, ठीक है। इसे जो पहले हमने आपको पीस दिखाया था उसकी आंखें आपने देखी होगी, और इस वाले की देखें तो माशाल्लाह से ये भी काफ़ी स्पेशल चीज़ है, ठीक है, ये भी आपको मिल सकता है। और फीट वगैरह का कोई मसला नहीं है, फीट वगैरह जो है ना इसकी बहुत नॉर्मली है। आप इसको कलीजी खिलाएँ, फोटा खिलाएँ, आप इसको गोश्त भी खिला सकते हैं कच्चा, ठीक है, तो ये आपको मिल सकता है। तो चलिए आपको और चीज़ें दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये भी हमारे पास एक पट्टा मौजूद है, ये बादशाह कहलाता है, ठीक है, काफ़ी साफ सुथरा, इसकी भी काफ़ी डिमांड आ रही थी, इतफाक़ से ये आ गया है माशाल्लाह से, ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, पीस जो है हमारे बिल्कुल साफ़ सुथरा होंगे, ठीक है। अक्सर होता क्या है कि रास्ते में ले आते हुए जो है शिकारी वगैरह ज़रा उसकी केयर नहीं कर पाते, तो पाँव से जो है ना वो इंजर्ड हो जाता है, या पैरों में जो है ना उनकी चोट लग जाती है। लेकिन हम जो सौदा करते हैं वो शिकार के यहाँ परिंदे लाने के बाद करते हैं, ठीक है, और हम खुद उसमें से चांटी करते हैं। तो ये पीस हमें काफ़ी साफ़ सुथरा मिला, तो तकरीबन जो है ना इसकी 7 से 8 महीने एज है माशाल्लाह से, पट्टा है बिल्कुल, और बहुत ही शानदार पीस है, ये आपको मिल सकता है। तो अभी आपको जो है ना और परिंदे दिखाते हैं। अच्छा भाई, ये हमारे पास माशाल्लाह से एक शिकरा है। अच्छा, शिकरे की जो है ना हमारे पास काफ़ी क्वांटिटी है, कम से कम इसको जो है ना हमारे पास 12 से 13 दाने रखे हुए हैं, ठीक है, तो जिस भाई को भी चाहिए तो इंशाल्लाह उनको जो है ना होल सेल के हिसाब से भी हम दे देंगे, ठीक है, क्योंकि शिकरों की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, ये चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको जो है ना हैंड टाइम और नो बाइट इसकी गारंटी होगी भाई, बाइट नहीं करेगा, हैंड टाइम भी होगा। जितने भी हम आपको ये जानवर परिंदे वगैरह दिखा रहे हैं ना, ये माशाल्लाह से सारे के सारे जो है ना हैंड टाइम होंगे और बाइट भी नहीं करेंगे, सही है। तो ये एक पीस आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल के तौर पर, माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत ज़बरदस्त पीस है, ठीक है, तो ये आपको मिल सकता है। इसके बाद एक हमारे पास काइट पड़ा हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा भाई, ये हमारे पास एक ब्लू शोल्डर काइट का पीस पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये भी पट्टा है, आपको इसकी आंखों से अंदाज़ा हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये जब पट्टा होता है ना तो इसकी आंखें यूं ही होती है, लोग समझते हैं कि यार इसमें जो है ना दो आंखें आती हैं, येलो आती है, एक रेड आती है, तो भाई देखें, जब पट्टा होता है ना तो उसकी आंखें यूं होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये अपनी आइज जो है वो रेड कर देता है उम्र के साथ साथ। जब ये अपनी उम्र को पहुँच जाता है तो उसकी आंखें आपको बिल्कुल रेड कलर की नज़र आती है, तो ये भी आपको मिल सकता है माशाल्लाह से, काफ़ी साफ़ सुथरा पीस है, ये देख सकते हैं आप, हैंड टाइम है माशाल्लाह से, बाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देखें भाई, ये देखें, ऐसा लग रहा जैसे बिल्कुल जो है ना घर का परिंदा हो, ठीक है, इस पर माशाल्लाह से थोड़ी सी मेहनत हुई है, तो ये हैंड टाइम हुआ है, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार भाई कुछ ऐसे परिंदे दिखाएं जो हैंड टाइम नहीं हो, हम खुद कर लेंगे तो थोड़ा सा सस्ते मिल जाते हैं वो, तो भाई हमारे पास ऐसे दाने नहीं होते, हम सब के सब जो है ना हैंड टाइम करके उसके बाद उसको आगे जो है ना फॉरवर्ड करते हैं। तो भाई ये देख सकते हैं आप, ये आपको मिल सकता है, इसकी भी हमारे पास तकरीबन क्वांटिटी है 7 से 8 दाने पड़े हुए, तो जिस भाई को भी चाहिए वो रब्ता कर सकता है। अच्छा दोस्तों, एक बहुत ही शानदार पीस आया हुआ है उल्लू का भी, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी साइज़ की बात की जाए ना तो साइज़ इंशाल्लाह इसका थोड़ा सा और भी मजीद बढ़ेगा, इस वक्त इसकी एज तकरीबन 1 साल है माशाल्लाह से, और इसकी ये सलाहत है कि भाई ये जो है ना सर पूरा यूँ राउंड अबाउट गोल गोल घुमा सकता है, ये चेक करें आप, माशाल्लाह 1 साल इसकी एज है। और इसके फीट के बारे में भी लोग पूछते हैं, तो भाई फीट इसकी सेम वही है जो हम बाकी बाजू वगैरह खिलाते हैं, ठीक है, और ये आप फीस चेक कर सकते हैं भाई, हैंड टाइम है, और बाकी ये है कि बैट वगैरह नहीं करता, अभी तो फ़िलहाल दिन है ना, तो दिन में जो है ना इनको ज़्यादातर नज़र नहीं आता, ये बस अल्लाह पाक की कुदरत है। रात में ये बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि तो इनको जो है ना हर चीज़ नज़र आती है, तो ये देखें अभी बिल्कुल सुकून से इत्मीनान से बैठा हुआ है, तो जिस भाई को भी चाहिए हो वो रब्ता कर सकता है। अच्छा भाई, ये देखें दो शिकरे और हैं हमारे पास माशाल्लाह से, ये भी काफ़ी फ्रेंडली है, हैंड टाइम भी है, बैट वगैरह नहीं करेंगे। इसमें जो ये वाला कलर है साइड वाला, ये अक्सर इसकी डिमांड है आ रही थी कि भाई ब्लैक शिकरा, तो ये समझ ले क्रॉस में बना हुआ है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह से, तो ये दोनों भी आपको मिल सकते हैं। इसके बाद हम आपको एक बड़ा गोल्डन ईगल दिखाने वाले हैं, तकरीबन 2.5 साल उसकी एज होगी, तो आइए आपको उसकी तरफ लेके जाते हैं।
अच्छा भाई, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई बड़े साइज का जो गोल्डन ईगल है वो हमें दिखाओ, तो भाई ये देखें आप माशाल्लाह से। और सेफ्टी के लिए देखें, मैंने ग्लव्स तक नहीं पहने हुए, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर फ्रेंडली है माशाल्लाह से। ये देखें बिल्कुल इसकी चोंच के सामने जो है ना, मैंने अपना फेस रखा हुआ है, लेकिन बैट वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो काफ़ी शानदार पीस है माशाल्लाह से। थोड़ा सा ज़रा इसमें हरकत लाने की, ये देखें, और काफ़ी खूबसूरत पीस है। आप इसको जिस एंगल से भी देखेंगे ना, इसका ज़रा बैक देखें आप माशाल्लाह, ये चेक करें आप, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त पीस है। ये चेक करें भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, हर एंगल से पूरा है, सही है, और साइज़ में भी जो है ना काफ़ी अच्छा पीस है माशाल्लाह से। ये देखें आप, ये देखें बाइट नहीं कर रहा, जस्ट अपनी चोंच रख रहा है खाली। ये देखें आप, ये देखें भाई साहब, भाई ये भी जो है ना आपको मिल सकता है। अच्छा भाई, यहाँ देखें हमारे पास एक और जनाब गोल्डन ईगल है, प्यारा सा, ठीक है। ये काफ़ी हद तक जो है ना, अगर आप इसको प्योरिटी में कह सकते हैं, ये देखें आप, मैं जरा आपको इसकी ये धुम दिखाता हूँ, ये चेक करें आप माशाल्लाह से। ये देखें बिल्कुल फ्रेंडली है, हैंड टाइम भी होगा। ये देखें आप इसके पंजों पर, ज़रा बाल देखें पाँव पर, ये देखें आप, तो काफ़ी हद तक ये प्योर है, ठीक है। तो माशाल्लाह से अगर एज की बात की जाए तो ये तकरीबन जनाब 12 से 13 महीने का पीस है ये, काफ़ी ज़बरदस्त, ठीक है, नो बाइट, हैंड टाइम माशाल्लाह से। ये देखें आप, तो ये भी आपको मिल सकता है। अच्छा व्यूअर्स, तो ये थी लेटेस्ट शिकारी परिंदों की वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा, अगर वीडियोस में परिंदों के अलावा आपको कोई और परिंदा पसंद है तो आप हमें जो है उसकी तस्वीर भेजें, इंशाल्लाह हम आपको अरेंज करवा के देंगे। बाकी अगर इन परिंदों में से कोई भी आपको चाहिए हो तो ये स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, आप इस पर रब्ता करके जो है ना वो चीज़ अपनी बुक करवा सकते हैं या मंगवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जो है हमारा शाहिद टीवी इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।